मैं मौलाना महमूद दरियाबादी, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया उलमा काउंसिल, इस मुल्क के तमाम बाशिंदों के लिए, उन तमाम पार्टियों के लिए जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उनकी खिदमत में एक पैगाम पेश करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। यहाँ पिछले 1.5 माह से चलने वाला इलेक्शन आज नतीजों के आने के बाद खत्म हो गया है। जो नतीजे जाहिर हुए हैं उसके नतीजों के बाद एक नई हुकूमत जो बनने जा रही है, हम नई हुकूमत की खिदमत में भी और जो लोग इस इलेक्शन में कामयाब हुए हैं उनकी खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करते हैं और आने वाली बनने वाली हुकूमत से ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि बगैर किसी भेदभाव के इस मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों के लिए फलाह का काम करेगी, तरक्की का काम करेगी। और वो पार्टियां जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, उनसे भी हम एक अपील करना चाहते हैं कि सेहतमंद अपोजिशन का किरदार अदा करें। जमहूरियत के अंदर एक सेहतमंद अपोजिशन की भी जरूरत होती है। हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि एक सेहतमंद अपोजिशन का किरदार भी इस मुल्क में अदा करेंगी। और पिछले 1.5 माह के दौरान दोनों तरफ से जो इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला, तल्ख कलामी का सिलसिला जारी था, इन नतज के आने के बाद उम्मीद हम ये रखते हैं, बल्कि मुतालबा भी करते हैं तमाम पार्टियों से कि इसको खत्म किया जाए और सारे लोग मिलजुल करके इस मुल्क की कामयाबी के लिए काम करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, इस मुल्क की फलाह के लिए काम करें।